कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। शस्त्र शक्ति आवाहनम्, शस्त्र शक्ति का आह्वान करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शत्रुषाणि षाडभिमाच्छिदासतो गवेषणः सहमान उद्भितः वाग्वीव मंत्रं प्रभरस्य वाचं सांग्राम जित्या येषमुद्वदेह। शस्त्र का पूजन करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देवे महादेवे शिवायै सततम् नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदै भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूरार्तिकम समर्पयामि शीतलीकरणम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शस्त्र प्रणाम। शस्त्र को नमस्कार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सनातन परंपरा में शास्त्र के साथ शस्त्र का भी पूजन होता है। शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, देश धर्म नीति की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, इस भाव के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूजन क्रम संपन्न कर रहे हैं। बहुत ही गौरवमयी बल शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटे युग धारणे नमः। हाँ जी गायत्री परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। इसी तरह आप प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करते रहें, खूब कल्याण हो ऐसे भाव से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। बहुत ही सुंदर और हमारे धर्म संस्कृति और इस विरासत शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना। यह स्मरण करती है शक्ति का सही उपयोग हो सच्ची विजय को प्राप्त करने में सहायक होती है। नैतिकता और धर्म का पालन। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक आज जो निर्णय है पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजा जो नैतिकता और धर्म का पालन यह पूजा धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। तो सीएम मोहन यादव